नमस्कार एमपी अब तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं मुरैना से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां शराब पार्टी के दौरान दोस्तों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक पर एसिड डालकर हमला किया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में युवक को एडमिट कराया गया है। अम्बाह कस्बे की सदर बाजार का ये मामला है, जहाँ पीड़ित के पिता ने दोस्तों पर ही आरोप लगाया है कि जान लेने के लिए पार्टी के नाम पर युवक को बुलाया गया। वहां कहासुनी हुई, कहासुनी इतनी बढ़ गई कि लड़कों ने मिलकर अपने ही दोस्त पर एसिड डाल दिया। तो मारपीट के बाद युवक पर एसिड डाला गया। युवक के पिता का आरोप है कि दोस्तों ने पार्टी के नाम पर बुलाया था और इरादा था जान लेने का। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी मुरैना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, जरा बताएं कब का ये मामला है, हुआ क्या था, कितने दोस्त थे? देखिए अपर्णा, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये देर रात का मामला है। इस दौरान युवक को उसके दोस्त बुलाती हैं शराब पार्टी के लिए, लेकिन शराब पार्टी के दौरान युवक पर एसिड से अटैक किया जाता है। उसके बाद युवक को बीच से ही छोड़ के भाग जाती है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि युवक पर सीधा पार्टी नहीं, अटैक करने के लिए बुलाया था। और उसके बाद जो आरोपी थे 5 से 6 वो दोस्त बताए जा रहे हैं, जो घायल युवक है उसके, और वो उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। जब सुबह जाके उसका पिता, जो घायल युवक का पिता जाता है, देखता है तो गंभीर हालत में जो युवक मिलता है उसको फिर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अटैक किया जाता है, उसके बाद युवक के पिता आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का लेन देन भी है, यानी कि जो घायल युवक है उसके 39,000 जो आरोपी हैं उन पे पैसे भी हैं। तो हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर के युवकों ने, जो दोस्त थे, उन्होंने अटैक किया हो। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और पुलिस में मामले की शिकायत नहीं पहुंची है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद ठाकुर कह रहे हैं शिकायत आती है तो अवश्य ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा अब कार्रवाई होती है, शिकायत पहुँचती है पुलिस पर या नहीं पहुँचती है। अपना बहुत शुक्रिया आपका अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को कामयाबी मिली है, गोवा से पकड़ा गया है साइको किलर। आरोपी ने पिता और बहन की बेरहमी से हत्या की थी। हत्या के बाद से आरोपी फरार था। बैंक से मिले इनपुट के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। तो गोवा में अपनी फरारी मजे से काट रहा था ये आरोपी। बहन और पिता की इसने हत्या की थी, साइको किलर है ये, जो गोवा से पुलिस ने धर दबोचा है, जिसे आरोपी ने पिता और बहन का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। हत्या के बाद से ही ये फरार चल रहा था। तो बैंक से मिले इनपुट के आधार पर ये आरोपी युवक, जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पकड़ा गया है, जो गोवा में मजे से छिपा हुआ था। अपनी बहन और पिता के कत्ल को अंजाम देने के बाद ये गोवा जा पहुंचा था। अभी तक जितना पूछताछ में सामने आया है कि ये एक क्षणिक आवेश में आके इसने अपनी बहन और माता पिता को आहत किया था। उसके बाद फिर इसने, जब उसको लगा कि उनकी डेथ ही हो गई है, और फिर उसके बाद इसने उनको दूसरे रूम में शिफ्ट किया और वहीं पे एक दिन अपना व्यतीत किया। फिर जब कमरे से बदबू आने लगी और फिर जब इससे लगा कि अब ये पकड़ में आ सकता है, तो उसके बाद फिर ये घर में ताला मार के भाग गया। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, बाप और बहन को मारने के बाद, पिता और बहन को मारने के बाद युवक गोवा में जा पहुंचा था, क्या कर रहा था वहां पर, किस तरह से पकड़ा गया, जरा बताएं। देखिए, हत्या करने के बाद से ही इंदौर पुलिस लगातार आरोपी बेटे की तलाश कर रही थी। सबसे पहले उसने इंदौर के एक एटीएम से 4,000 रुपए निकाले, इसके बाद वो सीधा बस से बड़ौदा पहुंच गया। बड़ौदा से उसने दूसरे पैसे निकाले, पुलिस को जैसी जानकारी मिली बैंक से, उसने बड़ौदा से पैसे निकाले। पुलिस बड़ौदा पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जब तक पुलिस वहां पहुंचती है वो हाउस जहां से निकल जाता है। पुलिस ने उसके अकाउंट को सीज नहीं किया था, क्योंकि जिस एटीएम को इस्तेमाल कर रहा था वो उसके पिता का अकाउंट था, रिटायर्ड बैंक अफसर उनके पिता, और अब अपने ही पिता के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। इसके बाद वो वहां से गोवा चला जाता है। गोवा में 2 लाख रुपए वो अयासी पे खर्च कर चुका था। लगातार वो कैसीनो जा रहा था अयासी के लिए, वो जो क्रूज है क्रूज का इस्तेमाल कर रहा था। जब गिरफ्तारी हुई तभी वो क्रूज पर था और उस वक्त नशे में धुत भी था। अब देखिए, गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पुलिस पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसका कहना है कि बहन और पिता उसे दिमाग की दवाइयां देते थे, उसे वो पागल समझते थे। उसका कहना है कि मैं पागल नहीं था, फिर भी मुझे दवाइयां खिलाई जाती थी और मेरी शादी नहीं करा रहे थे, इस बात से वो काफी नाराज था। और उसके बाद जो भी अकाउंट के बैंक बैलेंस थे,
जो भी जमीन था उस प्रॉपर्टी को उसके नाम पे नहीं कर रहे थे। तो तमाम बातें उसने कहा कि वो पिता के जो पैसे हैं, पिता के जो अकाउंट है वो अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाह रहा था, प्रॉपर्टी के पेपर भी अपने नाम पे कराना चाह रहा था, और सबसे खास बात है वो इस बात से नाराज था कि उसके घर वाले शादी नहीं करा रहे थे। अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो उसका इलाज चल रहा था। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन अभी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी बंपर जीत का दावा कर रहे हैं। जीत के इरादे, अपने अपने दावे, जीत का मंत्र 114 नहीं 174। हर नेता का बयान, दूसरे का काम तमाम। इनकी चली है लहर, उन पर टूटेगा कहर। बयानों से होता प्रहार, इस बार किसकी सरकार। एमपी में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया। पीसी शर्मा का कहना है कि इस बार कांग्रेस 114 नहीं 174 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने पहले बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन अब नहीं कर रही। मेरा आकलन तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया कांग्रेस की लहर है। वहीं बीजेपी ने पीसी शर्मा के दावों पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सब साफ हो जाएगा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस की हरकतें, गतिविधियां, बयान, तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बताती हैं कि कांग्रेस हार की घनघोर आशंका से जूझ रही है। कभी कर्मचारियों की सूची बनवाती है, कभी पोस्टल बैलेट पर आरोप लगाती है, कभी निर्वाचन आयोग को संदिग्ध बनाती है, कभी मशीन, कभी मशीनरी। और दावा तो देखिए, दावा तो इतने बड़े बड़े कि गनीमत है उन्होंने 230 की 230 सीटें जीतने का दावा नहीं किया। दरअसल ये अंदर से डरे हुए हैं, कभी किसी ऑपरेशन की बात करते हैं, लोटस की बात करते हैं, कभी कुछ दूसरे आरोप की बात करते हैं। दरअसल इनकी जमीन हिली हुई है, ये अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोरदार बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दावे अलग अलग हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को कम सीट मिलने और खुद को बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। ऐसे में अब 3 दिसंबर का इंतजार है, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उस समय ये देखना दिलचस्प होगा कि एमपी की जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया और किसे नकार दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुके हैं। अब इंतजार है सभी को 3 दिसंबर का, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले एमपी के नेताओं के बीच टेंपल रन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान खत्म हो गया है। अब नेताओं और लोगों को 3 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन जनता के द्वारा लिए गए फैसले सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले नेताओं का धार्मिक स्थल जाने का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्होंने जात पात भेदभाव सबसे ऊपर उठ के पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराया।
और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। वही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह खंडवा के ओमकारेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा ओमकारेश्वर की पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। मंदिर में गोविंद सिंह ने बाबा ओमकारेश्वर का महाभिषेक किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी ओमकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा ओमकारेश्वर की पूजा अर्चना की। कैलाश विजयवर्गीय के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की और बीजेपी के जीत का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। ओमकारेश्वर के दर्शन करने का अवसर मिला, बहुत ही आत्मा प्रसन्न है। भगवान से कहा कि प्रदेश में खुशहाली लाए और सब पर कृपा बनी रहे, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे। मध्य प्रदेश की नई सरकार बनने में कुछ ही दिन बाकी हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी, उससे पहले नेताओं ने मठ मंदिरों की शरण ले ली है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया है। कुछ दिन पहले सीएम शिवराज ने मैहर में माँ शारदा की शरण में पहुंचे थे और उसके बाद उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी किए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है। अब रतलाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग के डिपो में आग लग गई। 30 से ज्यादा ट्रांसफार्मर में यहां आग लगी हुई है। बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। बिजली विभाग के डिपो में आग लगने की जानकारी रतलाम से मिल रही है। 30 से ज्यादा ट्रांसफार्मर है जिन्हें आग की लपटों ने घेरा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 30 से ज्यादा ट्रांसफार्मर हैं जो इस आग की चपेट में आए हैं। बिजली विभाग का ये डिपो है जहां पर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सुधीर जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, कितनी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची हैं और फिलहाल क्या स्थिति है, कब तक काबू पा लिया जाएगा? देखिए, 3 गाड़ियां मौके पे हैं और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। रतलाम के चंबल कॉलोनी स्थित जो रेलवे का अस्पताल है, उसके पास से बिजली विभाग का दफ्तर है, जहां से जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सप्लाई होते हैं। पुराने ट्रांसफार्मर यहां पर रखे जाते हैं। कुल मिलाकर जो कबाड़ है उसमें ये आग लगी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है और जिसकी वजह से आग पर जो काबू पाना है उस पर काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पे दमकल की टीम को करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो कबाड़ में ये आग की, और जो अच्छे ट्रांसफार्मर से यहाँ से जाते हैं, किसानों को दिए जाते हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि दमकल विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, साथ ही विद्युत जो जिम्मेदार है वो भी मौके पर मौजूद है। हालांकि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर पाना अभी थोड़ी दिक्कत है। सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो आग पर काबू पाने की, लगभग पा लिया गया है। तो 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर है और अब नुकसानी के आकलन की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। जी शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां वेयरहाउस के बाहर खुले में रखा 16 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया, जिसके बाद संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया। गुजरात की कंपनी गो ग्रीन को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। अब वेयरहाउस कॉरपोरेशन इस मामले में गो ग्रीन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की तैयारी में है। तो धान गायब होने से यहां पर हड़कंप मच गया। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, निजी कंपनी पर वेयरहाउस कॉरपोरेशन अब FIR करवाने की तैयारी में है। बड़ा सवाल, 17 करोड़ का धान आखिरकार गायब कैसे हो गया? प्राइवेट कंपनी को हमने PMS के तहत धान भंडारण हेतु अनुबंध किया था। हमने उनको धान भंडारण के लिए 98,000 टन के आसपास हमने धान दी थी केप में भंडारण के लिए, लेकिन 2% से अधिक शार्टेज आई, जो शासन के नियम अनुसार से अधिक 2% से अधिक जो शार्टेज आई वो करीब करीब 16 करोड़ के आसपास की हो रही है और वो मात्रा है 8,500 MT के लगभग। तो जिन मात्रा इतनी के मतलब वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को मिल नहीं पाई है, इस संबंध में MD सर के निर्देश हैं FIR करने के, तो उसी संबंध में हम उनकी FIR कर रहे हैं। तो कहाँ गई ये धान, ये खराब हुई है या कि सर? ये तो वही बता पाएंगे सर, कंपनी वाले ही बता पाएंगे। ये तो
क्योंकि एक साइड पे हम गए थे तो वहाँ बहुत सारी जो धान है वो सड़ गई है जी। तो सर जो उनकी लापरवाही से उनने सड़ाई है या फिर कोई उन्होंने ठीक से रख रखाव नहीं किया, वो उनकी लापरवाही से हुआ है सर। खबर बैतूल से, जहां टोल प्लाजा के पास खड़ी कार पर पथराव हुआ है। कार सवार से लूट की कोशिश की गई, 3 से 4 बदमाशों ने लूट की नीयत से कार पर पथराव किया। उसे हमला किया क्या है? पहले पत्थरों से हमला किया, उसके बाद में वो कटिंग प्लेयर से हमला किया, उसके बाद में चाकू दिखाए। कुछ लूट कर ले गए आपसे? उन्होंने सोने की अंगूठी लूटने की कोशिश की, लेकिन लूटने पर चांदी की अंगूठी ले गए मेरी और मेरे दोस्त की, दोनों की। मतलब किस साइड से ऐसा ऐसा कुछ देख पाए आप? वो लोग वहाँ से टोल के आगे से लेफ्ट साइड से आए थे सर, जहाँ पे मेरी गाड़ी लगे छोटी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा की कार्तिक महीने की दूसरी सवारी निकली। डोली में सवार होकर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले और अपनी प्रजा का हाल जाना। तस्वीरें आपको उज्जैन नगरी की दिखा रहे हैं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर पहले विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद पूरे शहर भर में ये बाबा की सवारी निकली। ये कार्तिक महीने में बाबा की दूसरी सवारी थी। ऐसे में बाबा महाकाल ने अपनी प्रजा का हाल जाना। उन जो लोग थे वो भी सड़क के दोनों ही तरफ खड़े हुए थे बाबा के दर्शनों के लिए, बाबा की सवारी को देखने के लिए। तो पूरे गाजे बाजे के साथ बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन नगर में निकाली गई और ये मान्यता है कि बाबा जब निकलते हैं तो अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए वो निकलते हैं उज्जैन में। और ये आप देख पा रहे हैं कार्तिक महीने की दूसरी सवारी की ये झलक थी। वहीं बैतूल में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ताप्ती चुनरी पदयात्रा निकाली गई है। बता दें कि कांग्रेस विधायक निलय डागा पिछले 6 सालों से लगातार ताप्ती चुनरी पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस बार खराब मौसम के बाद भी विधायक ने अपने सिर पर ताप्ती मैया की विशाल चुनरी लेकर बैतूल से ताप्ती तट तक का सफर किया। बताया जा रहा है कि विधायक ने सियासी लाभ की कामना को लेकर 23 किलोमीटर का सफर तय किया है। और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर देव दीपावली की जो रौनक है वो अद्भुत ही देखने को मिल रही है। गंगा घाटों पर किस तरह विशेष जो आयोजन आज के इस मौके पर किया गया है, देखिए देव दीपावली की ये छटा बेहद अद्भुत बेहद खूबसूरत यहां पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहां तक भी आपकी नजर पड़ रही होगी सिर्फ आपको यहां पर सिर दिखाई दे रहे होंगे तमाम भक्तों के, जो देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहां पर लोग पहुंचते हैं आज के इस मौके पर, खास तौर पर इसका गवाह बनने के लिए, इसको देखने के लिए, इस अद्भुत छटा को अनुभव करने के लिए। दिव्य देव दिवाली काशी वाली, उसकी झलक आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस समय गंगा घाटों पर बेहद खूबसूरत दिव्यता से भरपूर नज़ारा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही गंगा घाटों में गंगा में डुबकी लगाई है और अब ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको वहां पर इस समय देखने को मिल रही है। विशेष आयोजन आज के इस मौके पर देव दीपावली के मौके पर किया जाता है काशी में और वही इस समय आप देख पा रहे हैं। तो हर साल ही इस एक्सपीरियंस को और नया और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन कई हफ्तों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देता है और इसीलिए हर बार बेहद सफलतापूर्वक तरीके से आयोजन को संपन्न कराया जाता है। और इस साल भी एक ऐसी ही छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है, बेहद दिव्य तस्वीर है ये काशी की। और इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो पहुँचते हैं।
तो दीपों से घाट जगमग नजर आ रहे हैं। 70 देशों के जो राजदूत हैं वो भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने दीप प्रज्वलित किए और ये देव दिवाली का भव्य नज़ारा आपको अपने टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए एम्बेसडर्स के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं दीप प्रज्वलित करते हुए। और ऐसे में कोई भी हिस्सा ऐसा यहाँ वाराणसी का, काशी का आपको नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर दीपों की छटा देखने को ना मिले, दीप जगमगा ना रहे हों, और इसीलिए ये विशेष आयोजन आज के इस मौके पर किया जाता है। तो पिछले कुछ समय से सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को लगातार बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो एमपी अब तक में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए है।